पे जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि छोटे क्वेश्चन 5 करने और बड़े क्वेश्चन 2 करने, तो ऐसा नहीं कि छोटे क्वेश्चन 5 ही आएंगे और बड़े क्वेश्चन 2 ही आएंगे। छोटे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है पिछले साल का जो पेपर है वही रहे, यानी 7 ही क्वेश्चन आए उनमें से हमको 5 करने हो, या हो सकता है 6 आए, या हो सकता है छोटे क्वेश्चन 5 ही आए, बड़े तो 4 ही आएंगे उनमें से 2 करने को, ऐसे भी है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगिड और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन फरवरी 2022, यानी 2022 के अंदर सुबोध कॉलेज में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नोटिस क्या है, नोटिस है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं अंडर ग्रेजुएट पास कोर्स और होनर्स के जितने बच्चे हैं उन सभी के, और उसके साथ ही थर्ड सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के एग्ज़ाम 10 फरवरी 2022 से, यानी आज से 21 दिन बाद शुरू होने वाले हैं, ठीक है। अब उसका टाइम टेबल कब आएगा, उसका टाइम टेबल जनवरी के लास्ट वीक में, यानी 22 से 31 जनवरी के बीच में आपको उसका टाइम टेबल साइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम में जो ड्यूरेशन होती है टाइम पेपर सॉल्व करने की, वो पहले 2.5 घंटे की होती थी और अब उसको कितने कर दिया, उसको अब 1.5 घंटे की कर दिया है, ठीक है। उसके साथ ही अगर समय कम हुआ है तो पेपर भी तो कम ही होगा ना, तो समय कम हुआ है यानी 1.5 घंटे का समय हुआ है तो जो सिलेबस है उसको आधा, तो जो सिलेबस है यानी जो पेपर में हमको करना है वो आधा कर दिया है, ठीक है। अब सिलेबस कुछ रिड्यूस नहीं किया है, सिलेबस कम नहीं किया है, यानी पेपर में हमको जितना करना है उसको कम किया है ना। अब सिलेबस तो वही है, उसमें से आप जितना याद करना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन करना कितना है 50% करना है, है ना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सिलेबस 50% हुआ तो सिलेबस कट किया हमारे पास आएगा कि क्या क्या आटा क्या क्या, तो ऐसा नहीं है, सिलेबस वही है पूरी, जो 4 यूनिट्स है वही है। अब उसमें से 50% आपको अपनी मनपसंद का याद करना है, यानी 2 यूनिट आपको कोई सी भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, आप चाहो तो चारों भी याद कर सकते हो, लेकिन पेपर में आपको 2 ही करके आनी है। पेपर में आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने मांगे हैं, और वो उतने ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे जितने आप 2 यूनिट से सफिशियंटली कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इन सभी सब्जेक्ट में क्या है, प्रश्न 2 ही प्रकार के आएंगे, पहले भी 2 ही प्रकार के आते थे, पहले छोटे क्वेश्चन आते थे ऊपर और फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन आते थे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन इस बार कितने करने हैं हमको, 4 करने, पहले कितने आते थे, पहले 7 आते थे और 7 ही करने होते थे, है ना। पहले ये छोटे क्वेश्चन में चॉइस नहीं होती थी कि आप इतने करें इतने करें, 7 आते थे और 7 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते थे, और बड़े क्वेश्चन 4 आते थे, अथवा में जरूर आते थे लेकिन 4 आते थे, और उन चारों क्वेश्चन में 7-7 नंबर के होते थे, 28 नंबर के बड़े क्वेश्चन होते थे और टोटल 35 नंबर का पेपर होता था। पेपर अभी भी 35 नंबर का होगा, लेकिन अब क्या है, अब हमको जो छोटे क्वेश्चन आएंगे, अब वो छोटे क्वेश्चन कितने आते हैं वो देखने वाली बात है। अब उन छोटे क्वेश्चन जितने भी आएंगे उनमें से हमको 4 करने हैं और उन चारों क्वेश्चन के 2-2 नंबर होंगे, ठीक है, तो टोटल 8 नंबर का ही हो जाएगा। और बड़े क्वेश्चन कितने आते हैं, बड़े क्वेश्चन 4 आएंगे जहाँ तक, अथवा में आके जैसे एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ गए, फिर दूसरी यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे करके 4 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 होंगे और उनमें से हमको कोई से भी 2 करने हैं, और उन 2 के प्रत्येक क्वेश्चन के 13.5 नंबर होंगे, तो टोटल 23 नंबर यहाँ से हो जाएंगे और टोटल 35 नंबर का पेपर हो जाएगा। यानी अगर आप 2 यूनिट को अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से है ना, तो आप 2 यूनिट को अच्छे से याद करते हैं तो दोनों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो आप 23 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। और उसके बाद जो 4 क्वेश्चन आएंगे छोटे, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। एक एक छोटे क्वेश्चन है वो हमको 4 ही करने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और उनमें से हमको 4 करने पड़ेंगे, ऐसा लगता है मुझे। बाकी हो सकता है 4 भी आए, अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आना साधारण सी बात है, तो उसमें से आराम से आप अगर 2 यूनिट अच्छे से याद करते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन आए, उनमें से आपको 4 करना पड़े, तो आपको एक यूनिट में से 2 या 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ की पेपर वही 54 नंबर का होगा। अब मैथ में भी वही छोटे क्वेश्चन 4 हमको करने हैं जितने भी आए उनमें से, और प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, तो उसके हिसाब से 4 छोटे क्वेश्चन 4-4 नंबर के, तो 16 नंबर छोटे क्वेश्चंस के हो गए। बड़े क्वेश्चन 2 आएंगे, बड़े क्वेश्चन 2 करने हैं हमको जितने भी आए उनमें से, 4 आएंगे शायद और उनमें से 2 करने हैं, और 2 क्वेश्चन ही 19-19 नंबर के होंगे, तो 38 नंबर टोटल उन 2 क्वेश्चन के हो गए, तो टोटल पेपर हमारा बन गया 54 नंबर का। तो बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की, तो आर्ट्स स्ट्रीम में क्या है, जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनमें जो बहुत छोटे हैं उनमें से हमको 5 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी जो आपको आसान लगे, 2-2 नंबर के होंगे वो 5 क्वेश्चन सभी, और टोटल 10 नंबर उन 5 क्वेश्चन के जुड़ेंगे। छोटे क्वेश्चन 2 करने हैं जिनके 5-5 नंबर जुड़ेंगे, 10 नंबर उनके हो जाएंगे, जो बड़े क्वेश्चन हैं वो भी हमको केवल 2 ही करने हैं, उनके 25-25 नंबर जुड़ेंगे, तो टोटल 50 नंबर इनके हो जाएंगे बड़े क्वेश्चंस के, तो टोटल 70 नंबर के यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट का पेपर होगा, जो हमेशा ही होता है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में क्या है, इसमें भी 3 प्रकार के आएंगे, बहुत छोटे, उसके बाद मिडल साइज के और बड़े।
छोटे में से कोई से भी पाँच करने हैं, जितने भी आए उनमें से ज़्यादा आएंगे क्वेश्चन तो जहाँ तक है ना, वो जो छोटे हैं मिडिल साइज के उनमें से दो करने हैं पाँच पाँच नंबर के, उसके बाद बड़े क्वेश्चन है उनमें से भी दो करने हैं वो जाएंगे पंद्रह पंद्रह नंबर के, तो टोटल पचास नंबर का ये पेपर हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में वो मैप छोटे और बड़े, ठीक है, मैप दो क्वेश्चन आएंगे, मैप के दो क्वेश्चन मैप के करने, मैप के दो क्वेश्चन करने हैं जितने भी आए उनमें से, दो पॉइंट पाँच के होंगे दोनों क्वेश्चन, और पाँच नंबर के टोटल मैप के जुड़ जाए, पाँच नंबर टोटल मैप के जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो छोटे क्वेश्चन होंगे दो क्वेश्चन करने हैं छोटे भी, और उन दो क्वेश्चंस के नंबर होंगे 2.5 2.5, तो टोटल पाँच क्वेश्चन उनके जुड़ जाएंगे, और जो बड़े क्वेश्चन हैं वो दो क्वेश्चन होंगे 20-20 नंबर के, तो टोटल 40, तो टोटल 50 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या है, बहुत छोटे बड़े और फिर बड़े, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में पाँच क्वेश्चन बहुत छोटे करने हैं, जिनके तीन तीन नंबर होंगे तो टोटल 15 नंबर, छोटे क्वेश्चन दो करने हैं पाँच पाँच नंबर के तो 10 नंबर उनके हो जाएंगे, और बड़े क्वेश्चन भी दो करने हैं 22.5 नंबर के, टोटल 45 नंबर उनके हो जाएंगे, और 70 नंबर का पेपर इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स के अंदर जो आर्ट्स की स्ट्रीम वाले जिनके पास मैथ्स है आर्ट्स में, उनको चार क्वेश्चन जो हैं छोटे वो चार चार नंबर के करने हैं, वो 16 हो जाएंगे उसके, और दो क्वेश्चन बड़े करने हैं उनके 15 15 नंबर जुड़ के 30, टोटल 46 नंबर का पेपर हो जाएगा। ये स्टेटिक्स में, और इसमें चार क्वेश्चन छोटे आएंगे चार चार नंबर के तो 16 नंबर इनके, और दो क्वेश्चन आएंगे 17 17 नंबर के तो 34, टोटल 50 नंबर इनके हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, धन्यवाद।